माधवी, वो मटका किंग मोलाल के बाल्टी में तुम्हें कुछ दिख रहा है? नहीं। तो जली हुई मोमबत्ती, लाल साड़ी, साया, टॉर्च। आपको दिख रहा है ये सब? कहाँ है? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है क्या? ऐसे पूछ रहा हूँ। नहीं। माले फिर चाचा जी को सब कहाँ से दिखा? मुझे क्या लगता है, वो अकेले है ना तो डर गए होंगे, उन्होंने बुरा सपना देखा होगा। हाँ हो सकता है। हाँ। उनको फोन करके बोल देता हूँ कि ऐसा कुछ है ही नहीं। तुम्हारे चाचा जी फोन ही नहीं उठा रहे। ओ चाचा जी फोन उठाइए। अहो इतनी बारिश में कहाँ तक आवाज पहुँचेगी? अब फिर से एक बार फोन ट्राई कीजिए ना। हाँ चाचा जी भिड़े बोल रहा हूँ। नमस्ते, तूने देखा ना, देखा ना, तूने देखा ना? हाँ देखा मैंने चाचा जी, बालकनी में कुछ भी नहीं है। अरे तेरी बालकनी से बराबर दिखाई नहीं दिया होगा। तू एक काम कर, तू यहाँ मेरी बालकनी से देख, तुझे दिखेगा। अरे लेकिन चाचा जी, अरे हेलो हेलो हेलो, तो कमाल है, बोल रहे कि तुम्हारी बालकनी से कुछ दिख रहा होगा, मेरी बालकनी में आके देखो। मिकाइमेंटे आप जरा होकर आइए ना। अरे क्या होकर आइए माधवी, अभी दोनों बालकनी में डिस्टेंस ही कितना है, जो यहाँ से देखेगा वही वहाँ से देखेगा ना। ओ ऐसा क्या है, वो बेचारे अकेले है, डर गए है। आप प्रत्यक्ष जाकर उनको बोलेंगे ना कि वहाँ कुछ नहीं है, आप डरिए मत, तो उनको थोड़ी हिम्मत आएगी ना। जाना प्लीज। वो भी है, लेकिन माधवी इतनी रात गए। जेठा भाई और दया भाभी भी घर पे नहीं है, तो पड़ोसी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है ना। हाँ वो है माधवी, लेकिन तुम जानती हो ना, चाचा जी की पिन अगर किसी बात पे अटक जाती है ना, तुमको समझाना भारी पड़ जाता है। मैं उनको नहीं समझा सकता। आप एक काम कीजिए, सोड़ी भाई को साथ में लेके जाइए। ये अच्छा आइडिया है, सोड़ी को लेकर जाता हूँ। हाँ, क्या आप दोनों साथ में रहेंगे ना तो उनको थोड़ी हिम्मत आएगी। बराबर है। हाँ। चल चल। क्वेश्चन डार्लिंग, दरवाजा खोल यार, दूध वाला आया। रोशन, दूध वाला। अरे सोड़ी, मैं हूँ मैं। नाम तो बोलिए। आत्मराम तुकाराम भिड़े गोकुल भिड़े भिड़े। रोशन उठने, ये तो भिड़े भाई की आवाज है। भिड़ो कमाल है, इसने ट्यूशन देने के साथ साथ दूध डालने का भी बिजनेस शुरू कर दिया। रोशन चौकस कोई टेंशन वाली बात होगी, ये तो इतनी रात को कोई डिस्टर्ब तो नहीं करता ना। अरे मेरे दोस्त को टेंशन, चल सोनिया चल। चाचा जी को कुछ हो गया है? क्यों हो गया चाचा जी? वैसा कुछ नहीं है चाचा जी, जब ठीक है, बस वो थोड़े से डरे हुए हैं। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले मुझे फोन किया, उनका कहना है कि उन्होंने मटका की मोला के घर में किसी को देखा, मतलब जली हुई मोमबत्ती देखी, फिर लाल साड़ी पहने हुए साया देखा, और उनका कहना था कि वो साया ने उनके आंखों पे टॉर्च भी मारी। नहीं ये तो बिजली रोशन भाभी, टॉर्च नहीं है। मने खबर छे भेड़े भाई, लेकिन वो मटका किंग मोहनलाल का घर तो कितने टाइम से बंद है। हां देश ना। हां और यही बात मैंने चाचा जी को समझाई, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। हां कहीं कोई चोर वोर तो नहीं आ गया होगा ना? चोर हमारे गोकुल धाम में? चोर? ओए ये चोर अपने दो पैरों पे चलकर तो आ गया, पर अपने दो पैरों पे चल के वापस नहीं जाएगा। अनु ते मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे सोड़ी कहाँ जा रहे हो भाई तुम? बालकनी में। सोड़ी शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ, पूरी सोसाइटी को जगाने की जरूरत नहीं है। मैं किसी को जगाने नहीं जा रहा हूँ, उस चोर की पिटाई करने जा रहा हूँ।
सॉरी भाई, हमने अपनी बालकनी से देखा, कुछ नहीं दिखा हमें। माधवी भाभी तुम्हारी गल एकदम ठीक है, पर चाचा जी ने अपनी आंखों से देखा, तो जब तक मैं अपनी आंखों से देख के तसल्ली ना कर लूं ना, मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। अरे चल चल चल, ओ कड़ाई जी, इतना तूफानी वातावरण है, मुझे बहुत डर लग रहा है। और सुनिए, तो रोशन सिंह तोड़ी की बोटी है, और डर शायद तेरे मुंह से बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। सुनिए, मैंने तो कुछ नजर नहीं आ रहा, तेनू कुछ नजर आ रहा? मुझे भी कुछ नजर नहीं आ रहा। मैंने भी चाचा जी को वही बोला रोशन भाभी, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। मुझे अभी भी लग रहा है कि उनको बुरा सपना आया होगा, इसलिए वो डर गए होंगे। आदि भाभी, मैंने भी यही लगता है। मुझे क्या लगता है, टप्पू दया बहन और जेठा भाई घर पे नहीं है ना, और मौसम पर इतना तूफानी है, तो शायद चाचा जी अकेले में डर गए होंगे। मैंने भी वही कहा था ना। ओ बरोबर है, थोड़ी हम दोनों जाते चाचा जी के पास और उनकी हिम्मत बंधाते हैं। हाँ भेड़ू, और चाचा जी अकेले थोड़ी ना, वो गोकुल धाम का परिवार है, और रोशन सिंह थोड़ी के होते हुए उनको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। सुनिए, हम लोग जेठा प्रागी घर होके आते हैं। रोशन तू जा तो रहा है ना, लेकिन थोड़ा जल्दी आना, वो क्या ना मुझे थोड़ा डर लग रहा है। फिर से डर? मतलब डर नहीं लग रहा है, पर तू जल्दी आ जाना ना। नमस्ते रोशन भाभी, ये लोग वापस आने तक मैं आपके साथ ही रुकती हूँ यहाँ, क्या है मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है। डर काय झालं, मराठी माणूस जागा हो, झोपला की काय मराठी माणूस। नहीं नहीं, मतलब एग्जैक्टली डर नहीं लग रहा है, बस ऐसे ही थोड़ी घबराहट हो रही है। हाँ। तुम्हें हिम्मत दूंगा मैं इस पीढ़ी को। कमाल है यार पीढ़ू, तुम बिल्ली से डर गया, और तुम गोकुल धाम का एक मेल सेक्रेटरी है, और सोसाइटी वालों को अगर पता चलेगा अपना एक मेल सेक्रेटरी बिल्ली से डर गया तो क्या सोचेंगे यार। नहीं सर, डरा नहीं थोड़ी मैं, वो क्या है अचानक ऐसे चलते चलते आवाज सुनाई दी ना, तो जरा सा। और जरा नहीं तो पूरा का पूरा डरा। अरे भाई मेरे डरने की बात छोड़ना, चाचा जी डरे हुए हैं, उनको संभालते हैं, चलो 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 चलो। अरे बोले, अरे चाचा जी मैं हाथ पर हाथ पकड़ा मिले गोकुल सोसाइटी का एक रुपया सेकंड रही हूँ। और चाचा जी मैं रोशन सिंह सोनी। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, भाग क्यों गए? मैंने क्या पता यार? अरे चाचा जी, क्या हो गया चाचा जी? देखा मैंने? हाँ चाचा जी, मैंने भी देखा। देख बिल्ली मास्टर, अब तो तुझे मेरी बात पर यकीन हो रहा है ना? नहीं, अपनी आंखों से देखने के बाद भी तुझे यकीन नहीं हो रहा है? चाचा जी मैंने देखा, मतलब मैंने देखा वहाँ पे कुछ नहीं है। हाँ चाचा जी, ना वहाँ कोई मोमबत्ती है, ना कोई लाल साड़ी है, ना कोई साया और ना ही कोई रोशनी है। चाचा जी मैंने कहा ना वहाँ कोई मोमबत्ती है, ना कोई वहाँ साड़ी है, ना वहाँ कोई रोशनी है, और ना ही वहाँ कोई साया। सोड़ी, वो क्या मतलब उनको सुनाई नहीं दिया इसलिए क्या नहीं बोला, वो शॉप में बोले क्या? चाचा जी वो मेरा कहने का मतलब है कि वहाँ पे रोशनी नहीं है तो खौफनाक साया होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे तुम लोग क्या बोल रहे हो? चाचा जी हम लोग वही बोल रहे हैं जो हमने देखा। हाँ चाचा जी, ये अपनी खुद की आंखों से हमने देखा। और सिर्फ हमने नहीं देखा चाचा जी, माधवी और रोशन भाभी ने भी देखा, वहाँ पे कुछ नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है चाचा जी, वो नींद में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है।
नहीं मतलब चाचा जी, आप सो रहे होंगे तो आपको डरावना सपना आया होगा। अभी आप चिंता मत कीजिए, सो जाइए। अरे मैंने कोई सपना नहीं देखा है बिल्ली मास्टर। अरे मैंने देखा मोमबत्ती, लाल साड़ी, ताया। अरे मेरी आंखों में किसी ने रोशनी भी डाली थी, मैंने सब देखा है। हाँ बराबर है, मैंने कब मना किया कि आपने नहीं देखा? आपने देखा, बिल्कुल देखा, लेकिन सपने में। अरे सपने तुझे आया होगा बिल्ली मास्टर, मैंने तो पूरे होशो आवाज में देखा है। ठीक है चाचा जी, अभी के अभी फैसला कर लेते हैं, चलिए बालकनी में। मुझे बालकनी में नहीं जाना है, अभी फिर से देखने की क्या जरूरत है? चाचा जी, हम दोनों ने जाके देखा तो वहाँ पे कुछ नहीं था, आप कह रहे हैं वहाँ पे कुछ था, तो एक काम करते हैं ना, हम तीनों एक साथ जाके बालकनी से देख लेते हैं, अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुझे मेरी बात को भरोसा नहीं है? आपको भी तो हमारी बात पे भरोसा नहीं है ना। चाचा जी, अब तो एक ही रास्ता है, आपने जो अपनी आंखों से देखा है वो हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख पाए, तो आप और हम अपनी आंखों से जब एक साथ देखेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि जो आपने देखा है वो हमने क्यों नहीं देखा और हमने जो देखा वो आपने क्यों नहीं देखा। सॉरी 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 सॉरी, वो समझ गए समझ गए। हाँ हाँ चाचा जी, आप चलिए, हमारे साथ कुछ नहीं होगा। अरे चाचा जी, आप रोशन सिंह सोडी के साथ हैं, वो आपको कुछ नहीं होने दूंगा। चाचा जी डरने की कोई जरूरत नहीं है, आइए 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 आइए। तुम लोग आगे चलो। हाँ चाचा, मैं आगे चलूं। चाचा जी घबराओ नहीं, आओ आओ आइए आइए। देखो आइए आइए, देखो कुछ है उसके, कुछ भी नहीं है। देखिए देखिए वहां पे, देखिए नीचे मत देखिए, ऊपर देखिए, देखिए देख लिया, कुछ नहीं ना वहां पे, अभी कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है चाचा जी क्योंकि वो फ्लैट बंद है, उस पर अलीगढ़ का ताला लगा हुआ है और चाबी मटका की मोहनलाल के पास है। चाचा जी कोई भी घर के अंदर जा ही नहीं सकता, तो मोमबत्ती, साड़ी और साया उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ नहीं वहाँ पे, हाँ देख लिया ना आपने। चलो अभी चलो 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 चलिए। अरे नहीं है चाचा जी, कुछ नहीं है वहाँ पे, कुछ भी होगा तो उन्होंने ठंडा खा नहीं है। तो क्या किसको ले छोड़ेगा? आओ चाचा, बोल रहा हूँ मैं कि वहाँ पे नहीं है कुछ भी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं मानता हूँ कि अभी वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन मैंने जब देखा था तभी था। फिर वही बात चाचा जी। चाचा जी चलो एक और काम करते हैं और जिससे आपको पक्का यकीन हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं? वहाँ चल के देखते हैं। कहाँ? मोहनलाल के घर पे। चाचा जी आप क्या कर रहे हैं, बाहर आइए। हाँ चाचा जी, वो कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना आपके साथ, आ जाओ आ जाओ बाहर आ जाओ। अरे मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे नहीं जाना है भाई, मुझे वहाँ कुछ नहीं देखना है। चाचा जी वहाँ पे जाके देखना पड़ेगा, अगर सच में वहाँ पे कोई होगा ना तो ये सोसाइटी की सिक्योरिटी का मामला हो जाएगा। चाचा जी आपने जो देखा वो सच है या आपकी कल्पना, ये जानना तो जरूरी है ना। चलिए चलिए। नहीं नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, एक काम करो तुम दोनों जाओ, फिर आके मुझे बताना कि वहाँ क्या है। अरे अरे चाचा जी, हम दोनों वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे कोई नहीं होगा, फिर आके आपको बताएंगे वहाँ पे कुछ नहीं है, फिर आप बोलेंगे नहीं नहीं मैंने वहाँ पे किसी को देखा है। तो अरे मैंने देखा है, सच बोल रहा है। चाचा जी किसकी तो साथ में चलते हैं। पीड़ू सही कह रहे हैं, हम तीनों जाके एक बार वहाँ पे चेक करके आते हैं। अरे मुझे नहीं जाना है भाई, मुझे जाना ही नहीं है, मुझे नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। कमाल है, बच्चे की तरह जिद कर रहे हैं अभी आप। पीड़ू चाचा जी एकदम सही कह रहे हैं। अरे लेकिन पीड़ू वो चाचा जी एकदम सही कह रहे हैं, हम दोनों जाते हैं और वहाँ पे चेक करके आते हैं। चाचा जी तुसी बाहर आ जाओ, पीड़ू तो और मैं चलते हैं, और चाचा जी आप आके दरवाजा बंद कर लो। आओ। हाँ दरवाजा बंद करना, हाथ लगाना पड़ेगा। हाँ चाहिए आइए, तो दरवाजा खुला रख के जाए। चाचा जी आपके चप्पल थे पालो। हाँ चाचा,
पकड़ने। हाँ हाँ चाचा जी मैं आगे चला। हाँ दो मिनट होगा। चलिए चाचा जी चलो अभी जाओ। तुम लोग ने क्या? हाँ चाचा जी चाचा जी आज आपका डर भगा के रहेंगे हम लोग। चलो चाचा जी आपका डर भगा के रहेंगे। पक्का पक्का आएंगे आप? पक्का? अब पक्का होगा। छाता ले लो मेरा। छाता मेरे पास है ऑलरेडी। लीजिए लीजिए चलिए चलिए आइए। अमन कर ले दरवाजा अंदर। चलो 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 चलिए आइए 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 आइए। बच गए तुम पोपटलाल। अगर तोड़ी ने अपने आप को रोका नहीं होता ना, उसके हाथ की हॉकी पड़ी होती ना, तो आज परमानेंटली तुम्हारा फेस बदल जाता। कमाल है, हम लोग तुझे दिखे भी नहीं। अरे मैं फिसल ना जाऊं इसलिए मैं नीचे देख के चल रहा था। आप लोग वो सब छोड़िए, कितनी रात को आप तीनों कहाँ जा रहे हैं? मोहनलाल के घर पे जा रहे हैं। क्यों? और उसका घर तो बंद है। अरे वो तू चल बताते हैं रस्ते में। आ जा। चलो चलो आइए आइए चलिए आइए। आइए आइए चाचा जी आइए। आ जाओ चाचा जी आ जाओ। डरिए मत आइए। चाचा जी ये फ्लैट तो कितने टाइम से बंद है, इसमें कैसे कुछ हो सकता है? ओ पप्पू चाचा जी को कब से वही तो समझा रहे थे, अभी उनको यकीन दिलाने के लिए यहाँ पे लेके जा रहे हैं। चलो 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 आओ चाचा जी। हाँ आइए आइए आइए। डर दोस्तों, डर एक पौधे की तरह, उसके बारे में आप जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ही बड़ा होता चला जाएगा, एक पेड़ का रूप ले लेगा। यही हो रहा है चंपक चाचा के साथ।
उन्होंने न जाने मोहनलाल मटका किंग के घर में न जाने क्या भाया हुआ या रहस्यात्मक देख लिया कि बहुत बुरी तरह डर गए और ये डर बढ़ रहा है। अब क्या किया? भिड़े पोपटलाल और सोढ़ी जा रहे हैं चंपक चाचा के साथ मोहनलाल मटका किंग के फ्लैट तक ये देखने के लिए कि सचमुच वहां कुछ ऐसा है। आपको क्या लगता है, क्या उन्हें कुछ नजर आएगा और चाचा जी के डर की पुष्टि हो जाएगी या ये लोग चाचा जी का डर भगाने में कामयाब? सवाल बहुत सारे हैं लेकिन सवालों के जवाब आप जानते हैं कि यहाँ हर सवाल के जवाब मिलते हैं हंसते हंसाते। मिलेंगे जवाब बड़े ही मजेदार ढंग से, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, डरिए मत, मुस्कुराइए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।